नई दिल्ली बिजनेस डेस्क। इंडियन रेलवेज के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उन्हें भी 31% की जगह 34% महंगाई भत्ता बोनस अलाउंस DA मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू हुई है। इससे पहले जुलाई 2021 से भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ा था। उस समय यह बढ़कर 28 से 31% हो गया था। रेलवे बोर्ड ने लागू किया राष्ट्रपति का फैसला। रेलवे बोर्ड के HRMS में डिप्टी डायरेक्टर जय कुमार जी के मुताबिक राष्ट्रपति ने भारतीय रेल में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लागू करने की इजाजत दे दी है। अब 1 जनवरी 2022 से डाका पेमेंट 34% की दर से होगा। यह रकम बेसिक पे के 34% पर कैलकुलेट होगी। सेवंथ पे मैट्रिक्स से जुड़ी है बेसिक सैलरी। जय कुमार जी के मुताबिक बेसिक पे सातवें पे कमीशन के तहत मिलने वाली सेवंथ पे मैट्रिक्स से जुड़ी है। इसे सरकार ने 7 THCPC की सिफारिश के आधार पर लागू किया था। इसमें कोई स्पेशल पे शामिल नहीं है। यह अलग तक का मानदेय होगा। साथ ही इसका पेमेंट मार्च की सैलरी से पहले नहीं किया जाएगा। ₹1500 का होगा फायदा। AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि रेलवे के कर्मचारियों को भी अब बढ़ा हुआ डा मिलेगा। जनवरी और फरवरी का एरिया भी इन कर्मचारियों को मिलेगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक पे ₹50,000 के आसपास है, उन्हें मंथली करीब ₹1500 का फायदा होगा। उनकी सैलरी अब बढ़कर आएगी। इसके साथ ही उनके ट्रेवल अलाउंस में भी फर्क पड़ेगा। जुलाई बाद तीसरी बढ़ोतरी। बता दें कि डा में जुलाई 2021 के बाद यह तीसरी बढ़ोतरी है। जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक इसमें बढ़ोतरी पर रोक लगी थी। इसे बाद में खोला गया। जुलाई में 11% डा बढ़ोतरी लागू हुई थी।